हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। यह एक तरह का प्राकृतिक सूचक अर्थात नेचुरल इंडिकेटर है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था और उसके विभिन्न विभिन्न प्रकारों को देखा था। उसमें से नेचुरल इंडिकेटर भी एक प्रकार था, उसी का एक यह एग्जाम्पल लिटमस है। इसी के बारे में हम लोग डिटेल से आज पढ़ेंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस एग्जाम में कम्पिटेटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि लिटमस क्या होता है, उसे किस तरह से तैयार किया जाता है और वह किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसका इस्तेमाल हम लोग एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का पता लगाने में करते हैं। लिटमस जो है, हमें लाइकेन नामक पौधा, जिसे हिंदी में लीचेन भी कहते हैं, तो यह लीचेन नामक पौधा से हमें प्राप्त होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह एक पौधा आपको दिखाई दे रहा है। यह लीचेन का ही एक वैरायटी है। जनरली जो लीचेन नामक पौधा है, उसके पूरे वर्ल्ड में बहुत तरह तरह के वैरायटी पाए जाते हैं, खासकर नीदरलैंड में बहुत तरह के वैरायटी पाए जाते हैं। तो यह जो पौधा है, उसमें से इसकी जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं, इन्हीं पत्तियों से हम लोग लिटमस सॉल्यूशन तैयार करते हैं। यह जो पौधा है, लीचन नामक पौधा, वह थेलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लिटमस है वो किस तरह के पौधे से लिया जाता है, तो वह लीचन नामक पौधों से हमें प्राप्त होता है और वह थेलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। किस तरह से हम लोग लिटमस सॉल्यूशन को तैयार कर सकते हैं, सवाल ये उठता है। तो जनरली इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग लीचन नामक पौधे की जो पत्तियां हैं, उनका एक पाउडर फॉर्म बना लेते हैं, उनको पीस करके मोर्टार में, और फिर हम लोग उसका एक एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं। एक्सट्रैक्ट तैयार करना हम लोग हायर स्टडीज़ में सीखेंगे। किसी भी पौधे का या फूल का एक्सट्रैक्ट तैयार करना हो, उसके अंदर कौन कौन से कलर सब्सटेंसेस है, उसको चीज़ का पता करना हो, तो किस तरह से एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं, वो हायर स्टडीज़ में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब हम लोग इन पत्तियों का एक्सट्रैक्ट तैयार करेंगे, तो जो बचा हुआ रिमेनिंग जो सॉल्यूशन होगा हमें, वही हमारा जो सॉल्यूशन होगा, वो लिटमस सॉल्यूशन कहलाएगा। तो जो लिटमस सॉल्यूशन है हमारा, इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल डायरेक्टली हम लोग एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को जांच करने के लिए कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली एसिड में डाल करके उसका कलर चेंजेस को देख सकते हैं, और बेस में जब इसको डालेंगे तो अलग तरह के चेंजेस हमको देखने मिलेगा, और जब एसिड में डालेंगे तो हमें अलग तरह का चेंजेस देखने मिलेगा, और कलर चेंजेस के आधार पर हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे फिर कि एसिड कौन है और बेस कौन है। या अगर आप सॉल्यूशन के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप लिटमस पेपर को भी तैयार कर सकते हैं, और लिटमस पेपर तैयार करके फिर सॉल्यूशन में डुबा करके जांच कर सकते हैं कि वह एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो लिटमस हमारा है, वह लीचेन नामक पौधा से प्राप्त होता है। वह पौधा विभिन्न वैरायटी का होता है, पूरे वर्ल्ड में फैला है, और यह पौधा जो है वो थेलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। इस पौधे में आखिर होता क्या है, जिसकी वजह से यह हमें लिटमस जो है वो हमें जांच करने में हेल्प करता है कि कौन एसिडिक सॉल्यूशन है और कौन बेसिक सॉल्यूशन है। तो ये जो पौधे की पत्तियाँ दिख रही हैं, इन पत्तियों में बहुत विभिन्न प्रकार के डाइज होते हैं। डाइज क्या होते हैं, वो कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, और एक दो डाइज नहीं, विभिन्न प्रकार के डाइज होते हैं। 10 तरह के डाइज भी देखने को मिलते हैं, 15 तरह, 16 तरह, विभिन्न वैरायटी ऑफ डाइज आपको देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है वो किस तरह के लीचन नामक पौधे से प्राप्त किया गया है। तो जनरली जो हमारा जो ये पौधा है, जिससे हम लोग लिटमस सॉल्यूशन तैयार करते हैं, उस पौधे में विभिन्न प्रकार के डाइज होते हैं। तो लीचन जो है वो डाइज है, मिक्सचर ऑफ डाइज है, अर्थात जो हमारा जो लिटमस है वो एक सिंगल कलर्ड कंपोनेंट नहीं है, बल्कि क्या है, मिक्सचर ऑफ डाइज है। हमारा जो लिटमस है वो मिक्सचर ऑफ डाइज है, उसमें विभिन्न प्रकार के डाइज मौजूद होते हैं, और जो फाइनल कलर हमारा बन के तैयार होता है लिटमस का, वो पर्पल कलर का होता है, बैंगनी कलर का हमारा लिटमस का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। आइए ये जो डाइज होते हैं वो किस तरह से आपको कलर देते हैं, वो हम लोग क्रोमोफोरिक ग्रुप के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो डाइज में बेसिकली क्या होते हैं, बहुत तरह तरह के क्रोमोफोरिक ग्रुप होते हैं, और उन्हीं क्रोमोफोरिक ग्रुप की वजह से ही हमें उस डाई का कलर हमको देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्रोमोफोरिक ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं इन सारे पत्तियों में। जनरली जो लीचेन के जो पौधे हैं, जिनसे हम लोग लिटमस हम प्राप्त करते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के क्रोमोफोरिक ग्रुप होते हैं, जिसमें से एक ग्रुप मैंने यहाँ पर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत तरह के कीटोन ग्रुप हैं, इथरल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बेंजीन रिंग भी हमारे पास है, नाइट्रोजन के भी कुछ आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, वो पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, और हमें करस्पॉन्डिंग उनका एक कम्प्लीमेंट्री कलर हमको देखने को मिलता है, और इन्हीं क्रोमोफोरिक ग्रुप की वजह से हम किसी पार्टिकुलर डाइज का कलर डिसाइड कर पाते हैं। यह जो है लिटमस में मौजूद रहता है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारी संख्या में डाइज मौजूद रहते हैं, क्रोमोफोरिक ग्रुप मौजूद रहते हैं, और जो फाइनल हमारा कलर तैयार होता है लिटमस का, वो पर्पल कलर का तैयार होता है, बैंगनी कलर का तैयार होता है।
यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यह एक लिटमस का पाउडर यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब आइए समझते हैं कि लिटमस किस तरह से काम करता है। लिटमस के काम को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा एसिड है जब वाटर में डिजॉल्व होगा तो वह हमें H प्लस आयन और साथ में उसका एक कंजुगेट जो हमें एनायनिक पार्ट है वो प्राप्त होता है। तो ये जो एनायनिक पार्ट है उसे ही हम लोग कंजुगेट बेस बोलते हैं। कंजुगेट बेस बोलते हैं किसका? कंजुगेट बेस बोलते हैं इस एसिड का, हमें कंजुगेट बेस बोलते हैं। तो कोई भी हमारे पास अगर सपोज करिए हमारे पास रेड लिटमस है, तो रेड लिटमस में जनरली क्या होते हैं, वो जनरली डायप्रोटिक होते हैं, अर्थात उसमें दो प्रोटॉन पाए जाते हैं। हमारा जो लिटमस है रेड लिटमस जनरली उसमें वो डायप्रोटिक होता है और उसमें दो प्रोटॉन जनरली होते हैं। जब इसको हम लोग बेस में डालेंगे तो ये बेस इस प्रोटॉन से रिएक्ट कर जाएगा और इसका डायप्रोटिक नेचर जो है रेड लिटमस का वो ख़त्म हो जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक कंजुगेट बेस प्राप्त होगा। वो जो कंजुगेट बेस है वो जनरली जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि बेस ने रेड लिटमस में जो मौजूद डायप्रोटिक जो हाइड्रोजन आयन थे उस हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज कर दिया और फिर जो हमें कंजुगेट बेस प्राप्त हुआ उसका जो कलर था वो कैसा था? ब्लू कलर का था। इसलिए जनरली कहा जाता है कि जो जितने भी बेसिस हैं वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हमने समझा कि लिटमस जो है वो एक सिंगल कलर कंपोनेंट नहीं है बल्कि मिक्सचर ऑफ डाइज है। यह हमें लीचे नमक पौधा से मिलता है और यह एक थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। इसका इस्तेमाल हम लोग एसिड और बेसिस के प्रेजेंस को पता करने के लिए करते हैं। ये जितने भी डाइज इसमें देखने को मिलते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं और फिर हम लोग इनका इस्तेमाल पीएच इंडिकेटर के रूप में करते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि इस जो लिटमस सॉल्यूशन है, इस लिटमस सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम लोग गैसेस की प्रेजेंस को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि सपोज जितने भी वाटर सोल्यूबल गैसेज हैं जैसे कि अमोनिया, जब इन्हें हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे या कोई भी मान लीजिए बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक सॉल्यूशन में जब इसे डिजॉल्व करेंगे या तो हम लोग जनरली क्या देखेंगे कि जब इन्हें हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे तो जनरली चूंकि अमोनिया बेसिक है तो इसकी बेसिसिटी और बढ़ जाएगी, इसका जो बेसिक नेचर है इस सॉल्यूशन का वो और बढ़ जाएगा। और जब इस सॉल्यूशन जब लिटमस को इस सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो ये हमें और तरह के कलर चेंजेस देखने को मिलेंगे। या इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ एसिड सॉल्यूशन है, जब इसमें अमोनिया डिजॉल्व करेंगे तो उसकी जो एसिडिटी है वो घटने लगेगी और फिर लिटमस पर भी उसी तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि लिटमस जो है लीचे नमक पौधे से प्राप्त होता है और उसका एक्सट्रैक्ट तैयार करके लिटमस सॉल्यूशन तैयार करते हैं और वह किस तरह से काम करता है। और हम लोगों ने देखा कि उसका इस्तेमाल हम लोग एसिड और बेसिक सॉल्यूशन को भी पता करने में कर सकते हैं और कुछ गैसेज जो वाटर सोल्यूबल हैं वो किस तरह से पीएच को वेरी कर देते हैं अपने परजन से, उस चीज़ को भी हम लोग पता कर सकते हैं लिटमस के प्रभाव से। तो आई होप आपको समझ में आ गया वो सारी चीज़ें। किसी तरह का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।